हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, हैप्पी संडे। आज 30 दिसंबर है एंड आज बहुत ही डेफिनेटिव लीक सामने आए हैं RTX 2060 सीरीज के कार्ड्स के लिए। नाउ मुझे पता है कि आप लोगों को भी एनवीडिया के नेक्स्ट जनरेशन बजट एंड मेन स्ट्रीम सेगमेंट के कार्ड्स का इंतजार था। तो गाइस, RTX 2060 के काफ़ी सारे लीक सामने आए हैं एंड अगर तुम लोगों को RTX 2060 का इंतजार था तो बिल्कुल सही जगह पे हो, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड बेंचमार्क। ये पूरा कुछ लीक हुआ है वीडियो कार्ड्स नाम की एक वेबसाइट है उनके एक आर्टिकल पे एंड कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता है। हाउएवर, बिकॉज रिलीज के बहुत सामने हैं RTX 2060, तो आई थिंक दिस विल बी द टाइम जहां पे हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर सकते हैं एंड क्या बेंचमार्क्स हमको मिल सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, एंड बेंचमार्क से याद है दोस्तों, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड क्लिक करो उस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके। तो फेसबुक एंड ट्विटर पे तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो जहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं। फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। Press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLite. जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल TechTubeLite पे। मैं हूँ प्रोफेसर टेक एंड मैं बनाता हूँ पीसी हार्डवेयर गेमिंग एंड टेक ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हिंदी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर ये वीडियो पसंद आए तो। तो गाइज, रूटीन है, लाइक, डिसलाइक, शेयर, फेसबुक, ट्विटर, ऑल ऑफ दैट। एंड हम लोग धीरे धीरे 2000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। तो गाइज, RTX 2060 के जो टोटल, हम लोग पहले वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेरिएंट्स की बात करें तो टोटल 6 वेरिएंट्स के आने की उम्मीद है। 6 वेरिएंट्स के अंदर हमको दो अलग टाइप के मेमोरी जनरेशन यानी GDDR5X एंड GDDR6 एंड 3 मेमोरी वेरिएंट्स आएंगे, यानी कि कितने जीबी मेमोरी होगी उस पर डिपेंड करेगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो शुरू करते हैं सबसे लो एंड से, तो वो होगा RTX 2060 3GB GDDR5 वर्जन, एक होगा RTX 2060 3GB GDDR6 वर्जन, एक होगा RTX 2060 4GB GDDR5 वर्जन, 2060 4GB GDDR6 वर्जन, 2060 6GB GDDR5 वर्जन एंड 2060 6GB GDDR6 वर्जन। नाउ ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज NVIDIA के पास अभी GDDR6 का सप्लाई इतना ज्यादा होगा नहीं, बिकॉज ये एक नया टेक्नोलॉजी है एंड GDDR5 जो कि 12 नैनोमीटर के FinFET प्रोसेस पे बनाया है, इट्स क्वाइट मैच्योर एज ऑफ नाउ। तो वो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन उनके पास पहले से होगा। तो उनके जो हाई एंड कार्ड्स होंगे जो वो RTX सीरीज में यूज करेंगे उसमें वो लोग GDDR6 लेंगे, उससे थोड़ा कम परफॉर्मेंस के लिए GDDR5 यूज करेंगे। सेम अगेन 4GB में भी वो लोग यही चीज करेंगे। तो इफेक्टिवली होगा ये कि अगर हम एक RTX 2060 में GDDR6 मेमोरी का यूज करेंगे तो वो हमको टोटल 14GBPS तक का मेमोरी बैंडविड्थ देगा, जो इफ यू अंडरस्टैंड पास्कल जनरेशन के 1080 से भी ज्यादा है, बिकॉज उसके अंदर GDDR5X मेमोरी यूज होता था एंड मैक्सिमम आई थिंक 10 से 11GBPS का बैंडविड्थ मिलता था। सो दैट इज द डिफरेंस। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो NVIDIA ने जो बेंचमार्क्स जो लीक हुए हैं उसके हिसाब से RTX 2060 इज गोइंग टू बी फास्टर देन द GTX 1070 Ti। ये एक बहुत ही अमेजिंग नंबर है बिकॉज 1070 Ti एक हाई एंड कार्ड या एंथुजिस्ट कार्ड के रूप में आता है एंड वहीं पे RTX 2060 आपको वो परफॉर्मेंस देने की उम्मीद करता है। साथ ही इसके 1080p रेजोल्यूशन, 4040p रेजोल्यूशन के भी कुछ बेंचमार्क सामने हैं, वी विल जस्ट डिस्कस दैट। स्पेसिफिकेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो RTX 2060 TU106 GPU कोर चिप पे बनेगा, जो कि RTX 2070 में जो कोर यूज हुआ है उसका एक कट डाउन वर्जन है। इसके अंदर हमको 1920 CUDA कोर्स मिलेंगे, 240 टेंसर कोर्स मिलेंगे, 30 RT कोर्स मिलेंगे, 120 TMUs मिलेंगे एंड 48 TROPS मिलेंगे एंड इसका बेस एंड बूस्ट क्लॉक होगा 1365 MHz एंड 1680 MHz, जो कि हमको अप्रॉक्सिमेटली 6.5 टेराफ्लॉप्स का कंप्यूट पावर देंगे। नाउ ये जो कार्ड है इसके अंदर बिकॉज 6 RT कोर्स कम है RTX 2070 से, तो अगर हम रेट रेसिंग की बात करें तो 4 से 5 गीगा रेस पर सेकेंड वर्थ ऑफ ट्रेसिंग रेट रेसिंग परफॉर्मेंस हमको इस पे मिलेगा एंड आई थिंक NVIDIA जो है वो इससे नीचे RTX अपना मॉनिटर यूज नहीं करेगा, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि आप अपने नॉर्मल रेजोल्यूशन यानी 1080p रेजोल्यूशन से भी नीचे जाके गेम खेल रहे हैं। हाउएवर ये जो कार्ड है ये 1080p रेजोल्यूशन पे गेमिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा एंड इट विल बी क्वाइट एनफ अगर आप 1080p पे गेमिंग करना चाहते हैं एंड रे ट्रेसिंग ऑन करके ये करना चाहते हैं। तो इसके जो ऑफिशियल फोटोज लीक हुई हैं जो NVIDIA के फाउंडर्स एडिशन कार्ड है उसके अंदर हमको एक 8-पिन पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी एंड ये 150 वॉट्स के TDP पे आएगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में
जो नंबर्स आए हैं वो 1080p एंड 1440p दोनों रेजोल्यूशन पे आए हैं, एंड इस कार्ड को कंपेयर किया गया है GTX 1060, 1070, 1070 Ti, 1080 एंड RTX 2060। ये टोटल 5-6 कार्ड्स का यूज़ किया गया है, एंड इसके अंदर रे ट्रेसिंग तो सिर्फ बैटल फील्ड 5 में ही है, तो उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो जो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे रिजल्ट्स हैं, उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस नंबर्स हैं दे आर रियली गुड। 20 टाइटल्स यूज हुए हैं, 20 टाइटल्स में से 12 टाइटल्स में RTX 2060 फास्टर है GTX 1070 Ti के नॉर्मल रास्टराइजेशन या नॉर्मल अपने FPS के गेमिंग में अगर हम लोग बात करते हो एक्सक्लूडिंग रे ट्रेसिंग। एंड कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जिसमें GTX 1080 से भी ज़्यादा फास्टर है RTX 2060, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अगर बात करें 1440p रेजोल्यूशन की, RTX 2060 GTX 1070 Ti से करीब करीब 15 टाइटल्स में फास्टर है, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जो हम लोगों को मैक्सवेल से पास्कल जनरेशन में आने पर मिला था। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो 1080p पे GTX 1080 से 3 टाइटल्स में वो लीड कर रहा था एंड बाकी सब में काफ़ी क्लोज आ रहा था, तो वहाँ पे हम 1440p पे देख सकते हैं कि हो सकता है ओवरक्लॉक करने पे ये काफ़ी सारे टाइटल्स में 1080 को बीट कर जाए। एंड परफॉर्मेंस एंड फीचर्स की बात करें तो 8GB GDDR5X के साथ जो GTX 1080 आता था उसके परफॉर्मेंस के आसपास आपको मिले GTX 2060 में। एंड अब फाइनली हम लोग बात करेंगे, बिकॉज RTX टाइटल है तो रे ट्रेसिंग तो हो गई, एंड रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस की बात करें सिर्फ एक ही गेम है जिसमें हम कर सकते हैं, वो है बैटलफील्ड 5। तो गाइस बैटलफील्ड 5 में रे ट्रेसिंग ऑफ करके हमको मिला 90 FPS ऑन 1080p रेजोल्यूशन, रे ट्रेसिंग ऑन करके एंड DLSS ऑफ करके हमको मिला 65 FPS, वहीं पे रे ट्रेसिंग ऑन करके एंड DLSS ऑन करके हमको मिला 88 FPS, विच इज क्वाइट डिसेंट। 60 FPS के ऊपर कुछ भी इज क्वाइट डिसेंट मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे NVIDIA ने ये बताया कि रे ट्रेसिंग एंड DLSS जब आप ऑन करेंगे तब जाके आपका वो जो रे ट्रेसिंग बूस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा एंड अच्छे FPS नंबर्स मिलेंगे। एक चीज़ और जो नोट करने लायक है वो है कि अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग ऑन करके कार्ड ने 58 FPS स्कोर किया, वाइल मीडियम प्रीसेट पे ये 66 FPS। सो आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट द कार्ड जहाँ पे आप लोग रे ट्रेसिंग ऑन करके अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम्स को अच्छे से खेल पाएंगे, आपको मीडियम सेटिंग्स पे रखना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आपको 60+ FPS आपको मिलेंगे। नाउ अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स की, एंड वो है प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकली इंडिया में कितना प्राइस आएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि इंडिया में तो प्रोडक्ट रिप्लेस होता है, तो ये अगर GTX 1070 Ti या GTX 1080 को रिप्लेस कर रहा है तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो कार्ड है ये 35,000 से 45,000 के बीच में मिले। हाउएवर द ऑफिशियल नंबर्स आर कि जो RTX 2060 का NVIDIA का फाउंडर्स एडिशन कार्ड होगा, एंड फॉर दैट मैटर जो बाकी सारे भी कार्ड्स होंगे जो AIB बोर्ड पार्टनर्स के पास रहेंगे एंड 6GB GDDR6 वर्जन के साथ, वो अवेलेबल होगा $349 पे। $349 जो इंडियन इक्विवेलेंट अगर उसका हम लें तो 24,400 रुपीज़ के आसपास होते हैं, एंड बाकी उसके अंदर आप उल जलूल एंड जादू वाला जो भी नंबर है वो ऐड कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो कि टॉप एंड वेरियंट जो है RTX 2060 का वो करीब 30,000 से 32,000-35,000 तक आने की उम्मीद है। हाउएवर इसका एक कट डाउन वर्जन जो कि GDDR5X मेमोरी के साथ या फिर जो 4GB वर्जन एंड 3GB वर्जन जिसके बारे में मैंने पहले बात किया वो अगर आप देखें तो वो आपको $299 to $249 एंड एंट्री लेवल पे $199 पे भी आपको मिल सकता है, जो कि आपको बेसिकली 1080p पे रेजोल्यूशन पे गेमिंग कराने में काम आएंगे एंड एग्जिस्टिंग 1060 एंड GTX 1050 Ti को रिप्लेस करने में काम आएंगे। सो दैट इज वेयर आई एम मोर होपफुल कि इंडियन मार्केट पे आपको 15,000 से उस 29,000-30,000 के बीच में आपको एक RTX 2060 कार्ड या GTX 1160 कार्ड आपको मिलेगा सेम कॉन्फिग्रेशन पे बेस करके। अब बात करते हैं कि ये मिलने कब वाले हैं। तो गाइज एज पर द लीक 7 जनवरी ये कार्ड्स सारे लॉन्च होंगे एंड 15 जनवरी से ये सारे कार्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे सभी मार्केट्स में। नाउ इंडिया बिकॉज थोड़ा सा लेट लतीफ होता ही है इन सब चीज़ों में, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि जनवरी के एंड से आप ये RTX 2060 कार्ड्स खरीद पाएंगे। सो गाइस दिस इज इट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ था एंड मेरे को पता है कि आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि नया PC कब बिल्ड करें। सो बहुत सारे गेमर्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नया PC कब बिल्ड करना चाहिए, तो गाइस यू शुड एटलीस्ट वेट फॉर 1 more month। जनवरी का महीना ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको नया जो इस 2019 का जो लिस्ट आएगा वो सारे CPUs GPUs
सब बाहर निकल आएंगे एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय दीज कार्ड्स। साथ ही अगर तुम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि RTX 2060 तुमको सस्ते में मिलेगा तो हाँ सस्ते में मिलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट RTX 2070 का प्राइसिंग शुरू होता है 48-49,000 से। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एनवीडिया उस वेरियंट को 48-49,000 पे रखेगा एंड उसके बाद एक 2060 निकालेगा जो 20,000 पे आएगा। तो देर इज अ वेरी लास्ट गैप एंड एनवीडिया उसी को भरने की कोशिश करेगा अपने डिफरेंट RTX 2000 सीरीज के मॉडल से। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गया होगा एंड आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। आई विल बी कवरिंग ऑल दीज न्यू CES 2019 को मिला के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी। पीस आउट।